जोगिंदर नगर की 23 वर्षीय ज्योति की मौत से जोगिंदर नगर के समस्त लोग गुस्से में हैं। ज्योति को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, जिसको देख पूरा मंडी जिला अलर्ट में है। ऐसे में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने जोगिंदर नगर पुलिस थाने में मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं जोगिंदर नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलवार को ज्योति की आत्मा की शांति के लिए जोगिंदर नगर की गांधी वाटिका में जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जोगिंदर नगर की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया व ज्योति की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं ज्योति के पिता ने कहा कि उन्हें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और ये मामला CID को चला गया है। अगर वहाँ भी मामला नहीं सुलझता है तो वे CBI की जाँच के पक्ष में है। प्रशासन और अभी तो पता लग रहा है कि CID के हैंडओवर हो गया है कैसे, तो प्रशासन से मेरे को पूरा विश्वास था और जो आज तक दिन उन्होंने जो किया उसका मैं सहमत हूँ। वो पेपर में भी न्यूज लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, जो तक इनकी जो कोशिश थी और उन्होंने की। अब CID का हैंडओवर हो गया केस, तो अब CID को भी हमारे को देखना पड़ेगा और किस किस साइड से करते हैं क्या करते हैं। अगर CID से हम संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम CBI की आगे को, मतलब CID से नहीं होता कुछ तो हम CBI की इंक्वायरी की मांग करेंगे। और पुलिस ने आज तक जो हासिल किया क्या किया वो चलो CID अपने आप से करेगी इंक्वायरी क्या क्या होता है, बाकी तो मैं ज्यादा क्या बोलता हूँ। आपने जो अगर इन्होंने साहब की कोई किन तो हम CBI की इंक्वायरी की जांच की मांग करेंगे और आंदोलन ऐसा चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पैसे रैली रूली का था, फिर हमने सोचा रैली को नहीं करेंगे हम, यहाँ थोड़ी देर के लिए 2-2.5 घंटे के लिए जो धरना मतलब हम सड़क पर बैठेंगे, बाकी ज्यादा मैं क्या बोलूँ, बाकी भगवान की मर्जी। कि ज्योति की अगर हत्या हुई है तो कौन दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए कानून के अनुसार और उनको थोड़ा कड़ी सजा दिलानी चाहिए। अगर आत्महत्या भी की है तो भी ज्योति मिलनी चाहिए, कहां है। और इस बात के ऊपर भी जो है जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि मान लो हत्या भी नहीं हुई, आत्महत्या भी नहीं की, लेकिन ज्योति अगर घर से निकली जैसा जो पुलिस को भी जो है वो बताया गया, अगर ज्योति घर से निकली कहीं रास्ते में ही किसी ने कोई लिफ्ट नहीं दे दी या किसी और ने बोला कि आप कहां जा रहे हैं हम आपको छोड़ देते हैं, कहीं उन्होंने उसको गायब करके जो है कुछ और ने किया, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। हिमाचल दस्तक WebTV के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B Pharma, D Pharma, M Pharma, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC ST OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।